झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर से समन भेज दिया है। बता दें, जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा यह चौथी बार समन भेजा गया है। सीएम सोरेन को आगामी 23 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा समन भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भेजकर ईडी से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वे ईडी के समक्ष हाजिर होने या नहीं होने पर कोई निर्णय लेंगे। बताते चले कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पहली बार 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का समन भेजा था। सीएम पूछताछ के लिए कार्यालय नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने सीएम सोरेन को दूसरा समन 19 अगस्त को जारी कर दिया और उन्हें 24 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया। सीएम पूछताछ के लिए कार्यालय नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने सीएम सोरेन को दूसरा समन 19 अगस्त को जारी कर दिया और उन्हें 24 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया। हालांकि वो 24 अगस्त को भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, वहीं सीएम सोरेन ने दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दूसरे समन के बाद भी जब सीएम सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, तब उन्हें ईडी की ओर से 1 सितंबर को तीसरा समन भेजा गया और 9 सितंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया, लेकिन इस दिन भी सीएम सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। बता दें, कल यानी 18 सितंबर को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि सीएम 23 सितंबर को ईडी ऑफिस पहुंचेंगे या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।